हमारी गरबा ड्रेसेस। यहाँ पे रीमा और दीदी तैयार हो गए दोनों। आशीष तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, पता है ये जो तेरा दुपट्टा है ना, सच में इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। बजे हैं केवल कितने बजे हैं, केवल 8:20 और घर में सारा खाना वाना सब हो चुका है। जल्दी जल्दी आज है अष्टमी, कंचिका है, मतलब आज अष्टमी पूजा है। हाँ, सुबह 6:30 बजे के उठे हुए हैं। थोड़ा सा सामान लेके आना है मार्केट से मेरे को, मैं जाता हूँ। कंचिकाओं के लिए सामान लाना है, कंचिकाओं के लिए सामान लाना है, वो ला के सीमा को दूंगा। काले चने बनने हैं, हलवा बनना है और पूजा की पूरी बननी है। यही सब तैयारियां चल रही है अभी अष्टमी पूजा की। हमारे यहाँ अष्टमी होती है क्योंकि अब क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, काले चने बन रहे हैं, हलवा बन रहा है, पूरी बन गई है। अरे वाह, जल्दी जल्दी हो गया, बन गई है। चलो जल्दी जल्दी से ना तुम बना लो, फिर उसके बाद अपन लोग वो बैग्स लगा लेते हैं और बच्चों को दिया आते हैं। हाँ, तो गाइज हम लोग ना बुलाने की बजाय ना हम लोग थोड़े जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं ना उन लोगों को देते हैं। हाँ। ताकि वो लोग खुश हो जाएं, और हम लोग मंदिर के पास में जाएंगे, ये वहाँ पे मिल जाते हैं बच्चे। हाँ, तो सुबह सुबह बहुत बच्चे मिल जाएंगे और इस टाइम तो खाली पेट भी होंगे क्योंकि हमारा काम बहुत जल्दी खत्म हो गया है। हाँ, मैंने देखा था, अभी गया था ना, थे बच्चे रुद्रांश को छोड़ने। हाँ ठीक है, लड़कियां चाहिए मुझे कंची। हाँ लड़कियां बहुत सारी थी। ठीक है, हलवा बनने जा रहा है, मेवा कट चुकी है, घर में बनी है आलू मटर की सब्जी। ये हमारे घर का खाना, मतलब बच्चों को तो यही देंगे, हलवा पूरी और काले चने, केला, चिप्स के पैकेट और बॉक्स मंगा लिए थे मैंने प्रशांत से स्टील वाले, उनमें रख के दे देंगे। बाकी काशीफल बनाए, आज तो कशिश भी घर पे है तो अच्छा लग रहा है कि अष्टमी पूजा वाले दिन कशिश घर पे है। अभी नहाने गई हुई है, अभी आएगी तब मिलवाती हूँ आपको वहां से। किसी मैंने भी पहन लिया है येलो, अपने अपने रूम से मैच करते हुए। और आपने भी तो येलो पहना है, आपसे मैच करते हुए। हाँ ये बात, मम्मा ने येलो पहना है और डैडी ने भी आज येलो कुर्ता निकाल रखा है उधर। तो मैंने येलो और ब्लैक शर्ट मम्मी की चुरा ली, चुरा ली मेरी सामान। तो तू चुराती मेरे सामान बता। ये मम्मा पैंट लाई थी। हाँ मैं लाई थी लाजपत नगर से लाई थी पैंट। अच्छी लग रही है ना कशिश? अच्छी तो लग रही, कम्फी सी है। बच्चों के लिए सामान रख लिया है, पैकेट बना लिया मैंने, पैसे भी इसी में ही रख दिया, पकड़ाती जाऊंगी, इसकी दिक्कत नहीं होती, तुरंत पकड़ा देता हूं। यहाँ पे चल रही है रील की तैयारी, ट्रांजिशन ट्रांजिशन बना रहे हैं लोग। फोकस बताओ कैमरा में, देखो वो ये ट्रांजिशन के बाद हमारे कपड़े क्या रहने वाले हैं। ठीक है, रेडी है? वो ट्रांजिशन के बाद देखो, गाना गाने से पहले ऐसे कुछ भी करो, ऐसे कुछ भी करो ना, ऐसे ऐसे एक ही स्टेप कर लेते हैं। चलो ऐसे ठीक है, उसके बाद रे। यहाँ पर ना सारी लड़कियाँ तैयार हो रही है, जैसे कशिश दीदी। अब आप कहोगे दीदी लड़की नहीं है, मत बोलिए प्लीज, खुद ही कह रही है। लेडीज लेडीज भी तैयार हो रही है, चलो यहाँ पे सारी लेडीज तैयार हो रही है, इसलिए मैं इनको बाहर निकाल दिया है। अभी मैं आपको अपनी गरबा ड्रेस दिखाऊंगी, दीदी की और कशिश की, हम लोगों ने चूज करी है, वहाँ रखी हुई है, अभी दिखाती हूँ। मफिन तुम्हें बाहर निकाल दिया दीदी ने, ये कहा कि बाहर जाओ मफिन, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स रहेंगी, ऐसा बोला था तुमको सच्ची में? तो
तो ये है आज की हमारी गरबा ड्रेसेस। कशिश का ये आउटफिट है, कशिश जब पहन लेगी मैं दिखाऊंगी, मेरा ये वाला है। दीदी लेकर आई थी जब गुजरात गई थी एक बार, और पता है उसके बाद कोरोना आ गया 2020 में, फिर ये ऐसे ही हम लोगों ने इसी में ही बैट बॉक्स में रख दिया था। मैंने तय करके कभी गरबा खेलेंगे तब पहनेंगे, तो 2020 से अब हमें मौका मिला है 3 साल बाद 2023 में कि हम इस लहंगे को पहन सके। और ये दीदी गुजरात से लेके आई थी स्पेशली। वैसे तो इसमें बहुत सारा डिजाइन था, लेकिन वो डिजाइन हमें इतना समझ में नहीं आया, तो हमने टेलर से हटवा के इसको प्लेन करवा दिया। वरना मैं कभी आपको इस लहंगे की ना पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा भरा हुआ डिजाइन था। और ये है इसका दुपट्टा, कितना सुंदर सा दुपट्टा है इसका। अभी जब हम लोग तैयार हो जाएंगे तब आपके साथ दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद। आज हम यूज कर रहे हैं मिलानी का, इसके शेड्स बहुत प्यारे हैं, प्योर पैशन। ये एक टूट गया है ये ट्रैवलिंग की वजह से टूटा है। तुमने क्या लगाया? मैंने तो आईब्रो करी है। अच्छा, मम्मी ने जो मुझे ट्रिक्स बनवाई तो है नहीं आईब्रो नवरात्र की वजह से, और करवा चौथ पे करवा चौथ बनवाया, इसलिए ऐसे ही कर लिया बस थोड़ा सा। नवरात्र पे नहीं बनवाती? नवरात्र में बनवाई, उससे बड़ा शरारत चल रहे थे। कशिश तुम किस टाइप का मेकअप कर रही हो? मैं बस गोल्डन कर रही हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रही। यहाँ पे रीमा और दीदी तैयार हो गए दोनों, और खूब अच्छे लग रहे हैं। इन लोगों ने गुजराती ड्रेस पहना है गुजराती गरबा के लिए। अब हम लोग तो ऐसी खड़े में, और जीजा जी तो तैयार हो जाओ अभी यार, ऐसी बात है। रीमा के लिए आ रही है मुझे खींच के, मैं बोली मम्मी दीदी चले हम गरबा करेंगे, घर पे बैठे क्या करेगी, 3 दिन छुट्टियां दे रही है। सही बात है, जाना भी। वैसे मैं गरबा करने पिछली बार भी चली गई थी, अब की बार भी चली जाऊंगी, मजा आता है ना, अच्छा लगता तो है। कशिश की ये ड्रेस है और खूब अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर का मैंने वो पहना है, नीचे स्कर्ट, हाँ, उसके साथ क्रॉप टॉप, और ये एक चुन्नी मम्मा की बहुत अच्छी थी, चोकर। और ये वहाँ से ली थी? अमृतसर? ना ना, अमृतसर से लिया है। अच्छा, अमृतसर से आई थी लेके आई है मम्मा ये। हाँ, बहुत प्यारी सी लग रही है, और मैं पूरे घर के लिए करती हूँ। ये आपके लिए तैयार हुआ? तो कशिश तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। पता है ये जो तेरा दुपट्टा है ना, सच में इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। तेरा तो आउटफिट पता है ऐसा है, हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। दीदी तुम अपना आउटफिट दिखाइए जो गुजरात से लेके आई हैं आप स्पेशल। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत प्यारा लग रहा है। गिलो मारो ढोल, मम्मा का गरबा ऑलरेडी शुरू हो गया है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कलरफुल कलरफुल सा लग रहा है। पर्स पकड़ लो यार, बीवी का पर्स पकड़ना सौभाग्य होता है। नहीं 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 नहीं, हो सकता है पैसे हो। Mam, 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 mam
आज हम गरबा नाइट के लिए गए थे गौर सिटी स्टेडियम में, जहाँ पर कपल फीस थी 900 रुपीज़, और अगर आप सिंगल जा रहे हो तो 500 रुपीज़ थी। इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं था, खाना आपको अलग से ही लेना था, लेकिन जाकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जोश था यहाँ पर और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था और ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत बढ़िया थे। तो अचानक से हम लोगों का यहाँ पर जाने का प्रोग्राम बना और ये ऑनलाइन बुकिंग मिल भी रही थी। मैंने सोचा कशिश घर पर आ रही है इतने दिन बाद, क्यों ना उसके साथ कहीं घूमने चलते हैं, तो गरबा नाइट सबसे ज़्यादा अच्छा रहा जाना हमारा। और इतना डांस किया है हमने, स्टार्टिंग में जो करना था ना बस वो ही किया था हम लोगों ने। और उसके बाद प्रशांत ने बोला आ जाओ यार थोड़ी देर ना पानी वानी पी लो, भूख लग रही तो हमने जैसे ही पानी पीने के लिए ब्रेक लिया, उसके बाद फिर नहीं मन करा जाने का। वो 2 घंटे बहुत था यार, तक बहुत लेकिन अच्छा लगा बहुत, है ना, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया भैया। और पता है इतनी जगह थी वहाँ पे कि कोई भीड़ भड़का नहीं, कोई किचन पिक्चर नहीं, बहुत मतलब अच्छी फर्श बहुत अच्छा था और ऑर्गेनाइजर्स भी अच्छे थे, बहुत एंगेजिंग भी बहुत अच्छा चल रहा था। और भी जेंट्स का फैशन शो हो रहा था। हाँ, कशिश ने भी पार्टिसिपेट किया था वैसे बाय द वे, दिखाई होगा वो तो। और कशिश को बोल देते सब लोग आर यू किड, अभी मैं खाना गर्म कर रही हूँ, भूख लग रही है बहुत तेजी से, पालक पनीर बनाया था।